देश में कोरोना के 797 नए मामले मिले हैं और ये 225 दिनों में सर्वाधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4091 हो गई है। वहीं मंत्रालय द्वारा सुबह शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं केरल में 2 और महाराष्ट्र पौंडिचेरी और तमिलनाडु से एक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 19 मई को देश में कोरोना के 865 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 5 दिसंबर तक कोरोना के दैनिक नए मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन नए वेरिएंट के सामने आने और ठंड के मौसम की स्थिति के बाद मामले फिर से बढ़ गए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 220.67 करोड़ डोज दी जा चुकी है। देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 ने अब तक 162 मामले मिले हैं। इनमें से केरल में सबसे अधिक 83 मामले सामने आए हैं। इसके बाद गुजरात में 34 मामले सामने आए हैं। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक JN.1 सब वेरिएंट का पता लगा है। इनमें केरल में 83, गुजरात में 34, गोवा में 18, महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 2 और राजधानी दिल्ली में 1 मामला शामिल है।